फ्रेंड्स, आई एम भविषा। वेलकम टू माय किचन। आज जो हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है आलू टिक्की। आलू टिक्की एक सिंपल सी डिश है पर बहुत बढ़िया है और आप फटाफट रेडी हो जाने वाली है, तो एक इजी डिश जिसको बोल सकते हैं, जिसको कोई भी बना सकता है, कोई बिगिनर्स है वो भी उसको इजीली बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए पोटैटो, जो मैंने बॉईल करके ग्रेट किया हुआ है, ब्रेड क्रम्स, जिंजर पेस्ट, सॉल्ट, ग्रीन चिली, गरम मसाला और ये ग्रीन पीस है जो मटर है उसको मैंने बॉईल करके लिया हुआ है, ये कॉर्नफ्लोर, धनिया, आमचूर पाउडर की जगह आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं और शुगर, चिली, रेड चिली। चलो अभी हम उसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमें ये पोटैटो जो हमने बॉईल करके लिए हुए वो लेने हैं। उसके बाद उसमें हमें कॉर्नफ्लोर, ब्रेड क्रम्स, मटर, जिंजर, सॉल्ट, गरम मसाला, ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, शुगर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालो, आमचूर पाउडर, जैसे मैंने बोला आमचूर पाउडर नहीं है तो हम लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारा धनिया, उसको अभी हमें मिक्स करना है। आप देख सकते हैं उसको अच्छे से मिक्स करना है और इस तरफ हम अपना गैस ऑन करके तेल गरम करने के लिए रखते हैं और अभी हमारा तेल गरम हो रहा है। अभी हम अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी टिक्की ऐसे रेडी हो गई है और रेडी हो जाने के बाद हमें उसको अभी गैस पे सैलो फ्राई करना है। अभी आप देखते हैं तेल थोड़ा गर्म हो जाए, बाद में हम सैलो फ्राई करेंगे। अगर सैलो फ्राई नहीं करनी है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। डीप फ्राई करके यूज कर सकते हैं, सैलो फ्राई करके। और एक और बात, ये टिक्की हम बर्गर में भी यूज कर सकते हैं या रगड़ा पेटिस में भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी हम एज अ स्टार्टर ले सकते हैं, बर्गर में वो यूज कर सकते हैं, रगड़ा पेटिस के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। उसको देखो, अभी हमने ऑयल रख के उसको सैलो फ्राई करना शुरू कर दिया है। अभी एक साथ बहुत सी टिक्की नहीं रखनी है, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके रखना है। ये टिक्की मैंने रेडी करके उसको ब्रेड क्रम्स ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं वो ब्रेड क्रम्स ऊपर। अभी हम एक तरफ से अच्छे से रेडी हो जाए फिर उसको उलटाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी फटाफट होने लगी ना, देखो। और अगर आपको मटर नहीं डालने हैं, अभी सीजन है, मटर ग्रीन मटर मिलते हैं तो हम यूज कर सकते हैं। नहीं है आपके पास मटर तो आप विदाउट मटर भी बना सकते हैं या फ्रोजन मटर भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। अभी ये हमारी टिक्की रेडी हो गई। रेडी हो जाने के बाद देखो हमारी टिक्की कैसे लगती है, आप देख सकते हैं उसको, बढ़िया लग रही है ना।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स टू विजिट माय किचन। प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।